ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की 5 बड़ी खबरों का। दिल्ली मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। अदालत इस मामले में अगले शुक्रवार यानी 3 फरवरी को सुनवाई करेगा। दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव कराने के लिए आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर शेली ओबरॉय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 3 फरवरी को सुनवाई के फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया और कहा कि आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से भाजपा की बेईमानी के खिलाफ दरख्वास्त की थी। आम आदमी पार्टी की इस दरख्वास्त में केंद्र सरकार और एलजी को एमसीडी के मेयर का चुनाव करवाने और साथ ही एल्डरमैन को वोटिंग नहीं करने के आदेश की मांग कही गई थी। आम आदमी पार्टी का कहना ये भी है कि भाजपा की बेईमानी अब सबके सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी को आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत में जाना पड़ा है, वरना भाजपा एमसीडी में कब्जा नहीं छोड़ेगी। तो वहीं भाजपा आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि वो मेयर नहीं बनने देना चाहते। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जवाब दें कि आखिर जब बहुमत उनके पास है तो फिर मेयर बनाने में उन्हें क्या परेशानी है। आज आम आदमी पार्टी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन उसको ये भी बताना होगा कि सदन में माइक उठाकर किसने फेंके, पीठासीन अधिकारी की कुर्सी पर चढ़कर गुंडागर्दी कौन कर रहा था। 2002 के गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर विवाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया है। एनएसटीयूआई केरला द्वारा आर्ट्स फैकल्टी में आज स्क्रीनिंग के लिए 4 बजे का समय दिया गया था, लेकिन इसका आयोजन नहीं हो सका। कोई विवाद ना हो इसके लिए गेट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने धारा 144 भी लगा दी। तो वहीं प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। बाहरी दिल्ली के किराड़ी इलाके में भगवान परशुराम ब्राह्मण सेवा संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने शुक्रवार को किराड़ी प्रेमनगर थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शिकायत दी। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने प्रेमनगर थाने के बाहर प्रदर्शन किया और कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर टिप्पणी करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। इस तरह के लोगों के खिलाफ यदि कार्यवाही नहीं हुई तो ऐसी मानसिकता को और बढ़ावा मिलेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर